नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार फिर से। और आज फिर से हम बात करने वाले हैं यहां पर काफी सारी ढेर सारी कमाल कमाल की गर्मा गर्म न्यूज अपडेट के बारे में। काफी सारी न्यूज अपडेट की जानकारी आज फिर से आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाता है, दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके सामने मिलता है नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन, उसे भी प्रेस कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट निकल के आ रही है वो आ रही है कि रोबोटिक के पिलो और एक टॉयलेट की तरफ से है, जो कि दोनों रोबोटिक हैं। पिलो की हमने एक बार पहले भी यहाँ पर बात की थी, जिसकी कुछ फोटोज यहाँ पर निकल के आई थी। अभी जो इसे CES 2018 में लॉन्च करने की यहाँ पर बात हो रही है, कभी भी ये लॉन्च हो सकता है तो $6,000 या फिर $6,000 के अंदर इसे लॉन्च किया जाएगा। ये दोनों चीज़ें मतलब किस काम हमारे आने वाली हैं, इसके बारे में पहले भी बताया था, फिर से बता देता हूँ। ये पिलो जो है, एक रोबोटिक पिलो है, ये रात को सोने में यहाँ पर मदद करता है। मतलब ये है कि आप रात में मतलब सोते हैं तो आपको एक पिलो की ज़रूरत यहाँ पर होती है, लेकिन ये एक स्मार्ट पिलो है, ये हर तरह से आपकी रात को देखभाल यहाँ पर करता रहता है। और वही स्मार्ट टॉयलेट जिसकी हमने पहले भी यहाँ पर बात की थी, वो ऑटोमेटिक सारा काम यहाँ पर कर लेता है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप CES 2018 की वेबसाइट के ऊपर जाकर ज़्यादा डिटेल यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है सैमसंग गैलेक्सी 17 प्राइम की तरफ से, जो कि काफ़ी दिन से चर्चे में यहाँ पर चल रहा था। अभी 2-4 दिन के बाद इसे लॉन्च किया जा रहा है किसी ना किसी इवेंट के अंदर। तो January 17 की यहाँ पर बात हो रही है कि 17 के अंदर ये निकल के आएगा। थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर निकल के आई है, उनकी हम यहाँ पर बात करते हैं। फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि 5.5 इंच की यहाँ पर होने वाली है। 1.6 GHz ऑक्टा कोर प्रोसेसर है, जो कि सैमसंग की तरफ से निकल के आया है। Exynos 7870 ये प्रोसेसर आपको मिल जाएगा। 3 GB और 4 GB दो अलग अलग वेरिएंट आपको मिलते हैं। वहीं 32 GB और 64 GB अलग अलग वेरिएंट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 256 GB तक आप इसमें जो है कि मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं, तो देख लेना अगर लगाते हैं तो। और इसमें जो है 13 MP के आगे पीछे के दोनों ही कैमरे आपको मिल जाते हैं, अपर्चर 1.9 के साथ। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है इसरो की तरफ से, इसकी हमने पहले भी बात की। इसरो जो है कुछ 31 सैटेलाइट जो हैं अंतरिक्ष में छोड़ने वाला है, वो जो है ऑर्बिट में आराम से छोड़ दी गई हैं 31 सैटेलाइट। स्पीड रही रॉकेट की 27,000 किलोमीटर पर आवर की, 710 किलोग्राम जो है टोटल वेट यहाँ पर था। तो 27,000 किलोमीटर की स्पीड से इतने वेट को लेकर वो रॉकेट यहाँ पर उड़ी है, फिर ऊपर जाकर ऑर्बिट के अंदर सारी की सारी जो सैटेलाइट्स हैं उनको यहाँ पर फिट कर दिया गया है सफलतापूर्वक। तो काफ़ी बढ़िया है, ये भी कुछ और जो है नई टेक्नोलॉजी हमें भी देखने को मिलने वाली है जल्दी ही। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है कुछ स्मार्ट वॉच को लेकर, जो कि आ रही है हुआवे की तरफ से। इनके अंदर बेजेल जो इनकी होती है चारों तरफ से, जो इनकी किनार्स होती हैं उनके अंदर टच सेंसिटिव वाला सिस्टम यहाँ पर दे दिया गया है। अब आप सेंसिटिव टच का आनंद ले सकते हैं बेजेल के साथ। तो ये स्मार्ट वॉच जो है लॉन्च होने ही वाली हैं, कभी भी लॉन्च हो सकती हैं। काफ़ी सारे इवेंट आजकल चल रहे हैं, उन्हीं के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर लॉन्च की जा रही हैं। दोस्तों, हमारे अगली अपडेट निकल के आ रही है कि चार्जर की तरफ से, आपने वायरलेस चार्जिंग की बात सुनी थी, 10 फुट वाले चार्जर की बात सुनी थी, लेकिन उनमें दोनों में एक प्रॉब्लम थी कि ज़्यादा स्पीड से जो है ये चार्जर चार्ज नहीं कर पाते हैं मोबाइल को। लेकिन अभी जो है लक्सोरी वायरलेस चार्जर निकल के आया है, जो लक्सोरी कंपनी ने उसने जो है वायरलेस चार्जर यहाँ पर लॉन्च किया है। और ये चार्जर जो है लाइटनिंग बेस के ऊपर बनाया गया है, इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग USB पोर्ट भी आपको मिल जाते हैं और काफ़ी हाई स्पीड से मोबाइल को चार्ज कर देता है। एप्पल, सैमसंग और नोकिया तीन मोबाइल्स को जो है ये सपोर्ट कर रहा है, और ज़्यादा मोबाइल के लिए नेक्स्ट अपडेट और इसकी निकल के आएंगी तब हम आगे यहाँ पर बात कर लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप की रोज़ाना कोई ना कोई अपडेट जो है निकल के आती रहती है। अभी जो है व्हाट्सएप के अंदर स्टिकर्स वाला सिस्टम भी आपको मिलने वाला है। अभी तक सिर्फ एमओजी के साथ ही हम व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते थे, लेकिन जल्दी आपको स्टिकर्स और मेंशन वाले कुछ ऑप्शन और नए देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। और उसी के साथ यहाँ पर एंटी स्पाम वाले फीचर्स भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। जल्दी ही कुछ अपडेट यहाँ पर निकल के आने वाली हैं। यही जो है न्यूज़ व्हाट्सएप की तरफ से निकल के आई है। दोस्तों, यहाँ पर अगली अपडेट निकल के आ रही है हुआवे की तरफ से। तो हुआवे जो आने वाले जो मोबाइल हैं, जिनमें काफ़ी सारे कैमराज तो होने वाले हैं, 2-2, 3-3 कैमराज के मोबाइल आजकल चले हुए हैं, तो DSLR फीचर्स की यहाँ पर बात हो रही हैं। तो हुआवे के CEO ने ये बताया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक फ़ोटो हमें भी यहाँ पर मिल गई है। तो स्मार्टफोन की जो रेंज है काफ़ी बढ़िया निकल के आने वाली है, और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा DSLR वाले कुछ फीचर्स, मतलब बैकग्राउंड ब्लूर वगैरह आप कर पाएंगे,
क्योंकि उनमें दो दो तीन तीन कैमरा लगे हुए हैं और 3D वीडियो भी आप इन मोबाइल से बना सकेंगे। तो ये फीचर्स जो है आपको Huawei के मोबाइल में जल्दी ही देखने को मिलने वाले हैं। अगली और धमाकेदार अपडेट ये निकल के आ रही है कि चेट्टी ने ये कहा है कि 2019 से स्टार्ट होते ही हम एक यहाँ पर मोबाइल लॉन्च करने वाले हैं जो कि पूरी तरह से 5G को सपोर्ट करेगा और आम इंसान के लिए उपलब्ध होगा। तो सबसे पहले ये US के अंदर इसे लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, एक साल यहाँ पर बचा हुआ है, एक साल के अंदर ये मोबाइल बनाएंगे और इसे लॉन्च कर देंगे 2019 जनवरी के अंदर। ये निकल के आई है न्यूज़ जेटी की तरफ से, तो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। अगर 2019 में अगर ये मोबाइल लॉन्च हो जाता है तो उसके बाद जल्दी जल्दी सारी जगह ही ये मोबाइल लॉन्च हो जाएंगे। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि मोबाइल तो लॉन्च हो गया, नेटवर्क कहाँ से आएगा? अगर मोबाइल लॉन्च होगा उससे पहले यहाँ पर नेटवर्क लग जाएगा। कुछ आइडियाज़ या फिर मेरी ओपिनियंस यही कहती हैं या फिर मैं यही सोचता हूँ, अगर मोबाइल निकल के आएगा तो उससे पहले 5G नेटवर्क भी तो आएगा। 5G मोबाइल का लोग लेकर करेंगे क्या? तो इसके चलते हो सकता है 5G नेटवर्क की तैयारियां चल रही हों कुछ दिन बाद, या फिर रोज़ जो टेक अपडेट यहाँ पर निकल के आते हैं, जैसा कि अभी आप ये देख रहे हैं, इसी के अंदर आपको मैं बताता रहता हूँ, तो देखते रहिए। आशा करता हूँ दोस्तों काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में भी मिली होंगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी वीडियो रोज़ देखते रहने के लिए। वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स को। अगर आपका कोई सवाल है कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।